नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि वेट ट्रेनिंग जो होती है, जो हम वज़न से वज़न उठा के जो हम ट्रेनिंग करते हैं, वो हमारा फैट कैसे बर्न करती है, वो हमारी चर्बी को कैसे खर्च करती है। इससे पहले मैंने बात करी थी कार्डियो कैसे फैट बर्न करता है। वेट ट्रेनिंग में क्या है, मैंने आपको अभी कुछ वीडियोज़ पहले बताया था कि वेट ट्रेनिंग करने से या कोई भी तरीके की ट्रेनिंग करने से हमारी मसल टूटती है। अगर आप दौड़ रहे हो तो भी आपकी मसल टूट रही है, जो कि कार्डियो हो गया, लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी मसल ज़्यादा टूटती है। तो जब मसल टूटती है और मसल रिकवर होती है, तो मसल रिकवर होते टाइम हमारे शरीर काफ़ी ऊर्जा खर्च करता है, तो और वेट ट्रेनिंग में हमारी मसल काफ़ी टूटती है। बाकी किसी और चीज़ से अगर आप नाप के देखो, दौड़ने से, भागने से, रस्सी कूदने से, स्विमिंग वगैरह से या चलने से, इनसे अगर आप नाप के देखो तो वेट ट्रेनिंग से हमारी मसल काफ़ी ज़्यादा टूटती है। अब मसल ज़्यादा टूटी, उससे सही खाना दोगे, आराम दोगे तो वापस रिकवर होगी, तो रिकवर होने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करती है, काफ़ी ज़्यादा। और तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपने वेट ट्रेनिंग करी, आप एक डेढ़ घंटा सवा घंटा जितना भी आपको जिम में करना था आप करके आ गए, घर आ गए। अब एक दो दिन तीन दिन तक आपकी बॉडी ऊर्जा खर्च करती रहेगी, जो मसल आपने तोड़ी उसको रिकवर कर लें। इस अगले वीडियो में हम कंपेयर करेंगे वेट ट्रेनिंग और कार्डियो से, दोनों में कैसे फर्क पड़ता है। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।